अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। हुकूमत दावे कर रही है कि मईशत बिलाखिर अब बेहतरी की तरफ गामजन हो रही है। IMF से मामलात तय पाने की खबरों के बाद कुछ बेहतरी के आसार भी नए हैं। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर आज जो है वो 4.70 रुपए की उसमें मजीद कमी हुई और स्टॉक मार्केट में कारोबार मुस्बत रहा। 100 इंडेक्स 204 पॉइंट्स बुलंद हुआ। हुकूमत ने यह भी दावा किया है कि चीनी बैंकों के कंसोर्शियम से मुआहदे पर दस्तखत हो गए हैं, जिसके बाद चीन से 2.3 अरब डॉलर चंद रोज में मिल जाएंगे। आज वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा तीन माह में इन मुश्किलात पर काबू पा लेंगे। पाकिस्तान की तारीख के 4 बड़े खसारे इमरान खान ने किए हैं। 4.25 साल के कलील अरसे में आपने 80% कर्ज पाकिस्तान का बढ़ा दिया। पिछले 3 सालों में देखें, इससे ज्यादा SPI होती थी। पाकिस्तान को डिफॉल्ट के नैश पे ले गए। हमने पहला बहुत बड़ा मुस्बत कदम उठाया। पाकिस्तान की तारीख में इतना प्रोग्रेसिव टैक्सेशन बजट नहीं आया। जो हमने ये पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई है, जो डीजल की प्राइस बढ़ाई है, उससे पाकिस्तान को दिवालिये से बचाया है। जब ये फैसले लिए, बड़े कड़े फैसले लिए, आज पाकिस्तान फाइनेंशियली स्टेबल हो गया और आज हमारा रुपया जो है अमरीका डॉलर के सामने बढ़ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का भी आज कहना था कि IMF ने मजीद शरायत ना रखी तो यह मुआहदा हो जाएगा, अभी मुश्किलात आनी है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारा मौकफ था कि हम इंतखाबी इस्लाहात करके इंतखाबात की तरफ जाएं, लेकिन अब इत्तेहादियों का मुत्तफ़िका फैसला है कि हुकूमत 14 महीने की मुद्दत पूरी करेगी। IMF तो तुला हुआ था, सारी उसकी शकें आप उसकी पूरी करें और उसकी और हमें एतबार नहीं है। देखिए, आप अंदाजा करें, या तो वो शर्तें मानते ना, दस्त करके उनकी बिना उनकी धज्जियां उड़ा दी। तो आज IMF कहता था कि आप भी तो पाकिस्तान की हुकूमत है, हम आप पे किस तरह एतबार करें। IMF से हमारा मुआहदा जो है वो शरायत जो है ऑलमोस्ट वो तय हो गई हैं और इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में उम्मीद है अगर कोई IMF ने कोई और अपने शर्त ना दी तो ये अब ये मामला होने जा रहा है। लेकिन IMF के मुआहदे के नतीजे में क्या रातों रात खुशहाली आ जाएगी? बिल्कुल नहीं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी मुश्किलात आनी है। कौम को धोखा नहीं देंगे नया पाकिस्तान। अब मैं कहता हूँ जो कायद का पाकिस्तान है उसकी तरफ हम चल पड़े तो ये बहुत बड़ी हमारी जीत होगी। बिल्कुल खुदा न खासा रियासत कुछ हुआ, माजी करीब की हुकूमत की बदतरीन लक्ष्यों और करप्शन और लेट बैक उनकी जो अप्रोच थी। क्या वाकई चंद माह में बेहतरी आ जाएगी? क्या बेहतरी के जो आसार आज नजर आ रहे हैं, जिनकी तरफ हुकूमत इशारा दे रही है, हवाला दे रही है, क्या वो इस बात की तरफ इशारा है कि मईशत संभल रही है? हमारे मौशी चैलेंजेस बेशुमार हैं। IMF की शरायत मानने के बाद पेट्रोल बिजली की कीमतों में इजाफा करना पड़ा, महंगाई का भी एक सैलाब है जिसके आगे बंद बांधना जरूरी है। अब तहरीके इंसाफ के रहनुमाओं का कहना है कि हुकूमत एक और बजट लेकर आ रही है, वो असल बजट होगा। IMF के कहने पर टैक्स बढ़ाए जाए और इंपोर्टेड हुकूमत ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। ये जो IMF का बजट है ये PDM IMF बन चुकी है। पहला बजट वो फिगर थी, एक दूसरे के साथ मैच नहीं हो रहे थे जो इन्होंने टारगेट्स दिए हैं। उसके बाद दूसरा बजट ले आया और अब तीसरा बजट जो है वो असेंबली में लेकर जा रहे हैं। मुल्क को ऐसी जगह के ऊपर ले गए हैं जहाँ एक सियासी अदम इस्तेहकाम तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ माशी अदम इस्तेहकाम है। 40 अरब डॉलर दरकार है पाकिस्तान को आगे मुस्तकबिल के अंदर। वो पैसे कहाँ से लाने हैं इन्होंने, जो खुद मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, जिनका खुद पैसा मुल्क से बाहर पड़ा हुआ है। आपने NAB को उठाकर अपनी ताबे कर लिया है। क्या मईशत में बेहतरी के हुकूमती दावे दुरुस्त हैं? एक तो प्रोग्राम में आज इस इशू के ऊपर जो है वो डिबेट होगी और दूसरी तरफ NAB तरमीमी एक्ट आज से नाफिज हो गया, इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। इन दो बिल्स हैं, एक इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से और दूसरा NAB का, इनकी जो मंजूरी है वो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से ली गई थी। इस मंजूरी के बाद 10 दिन के अंदर दोनों बिल खुद ब खुद कानून बन गए। इन तरमीम के हवाले से तहरीक इंसाफ ने तो सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर रखा है और उसका कहना है कि ये जो तरमीम है ये हुकूमत ने अपने केसेस खत्म करने के लिए की हैं, जबकि हुकूमत का कहना है कि वो निज़ाम में बेहतरी के लिए ऐसा कर रहे हैं।
क्या इन तरमीम से कोई बेहतरी आएगी या फिर एहतसाब का जो निज़ाम है वो ही रुक जाएगा? इस पर भी प्रोग्राम में बात होगी और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एस्टेब्लिशमेंट या न्यूट्रल से गिले शिकवे बदस्तूर जारी हैं। साबिक वज़ीर इत्तला'आत फवाद चौधरी ने गुज़िश्ता रोज़ का अस्करी इदारा ना चाहता तो हुकूमत नहीं गिर सकती थी, और इससे पहले साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कल सेमिनार में कहा कि चौकीदार न्यूट्रल नहीं रह सकता। ये जो एस्टेब्लिशमेंट से ये गिले शिकवे हैं, क्या इनका कोई जवाब है या नहीं, इस पर भी प्रोग्राम में बात होगी। वेरी क्विकली मेरे साथ आज के इस डिबेट में जो मेहमान मौजूद है तारुफ करा दूँ, फरूख हबीब साहब साबिक वज़ीर ममलिकत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जनाब। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब मुस्लिम लीग नून से जो है वो हमारे साथ आज के इस बहस में शरीक होंगे। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। फरूख हबीब साहब, मैं आपसे इस डिबेट का आगाज़ कर ले तो पहले मईशत पर बात कर लेते, फिर नैब और फिर पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के जो मामलात हैं। ये आज हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट को थोड़ी नज़र आ रही है कि डॉलर जो है वो तकरीबन 5 रुपये जो है वो नीचे आ गया, स्टॉक मार्केट जो है ऊपर चली गई, और 5 सुबह भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया अब सब ठीक होने वाला है। देखें, ये कॉन्फिडेंस हमें नहीं चाहिए, इससे खाक मईशत जो है वो ठीक होगी। डॉलर 5 रुपये नीचे आने का मामला नहीं है। जब अदब एतमाद जमा हुई तो उस वक्त डॉलर था 178 रुपये, ठीक है। अदम एतमाद आने के बाद एक सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो क्रिएट हुआ, जिसके बायस डॉलर रोज़ाना 50 पैसे के हिसाब से डीवैल्यू हो रहा है, रोज़ाना 50 पैसे के हिसाब से। आप ये देखें कि आज 206 के ऊपर आया, 213 से वापस आ रहा है। अब मामला क्या है बुनियादी तौर के ऊपर? मामला ये है, ना इनके पास कोई माशी तौर के ऊपर कोई सिमत मौजूद है, मुल्क को लेके कहाँ जाना है। इकनॉमिक सर्वे आया, इकतसादी सर्वे आया, उसके अंदर आपने देख लिया कि इमरान खान की हुकूमत कोरोना के बावजूद 2 साल मुसलसल 6% ग्रोथ दी। ग्रोथ से आपकी 55 लाख नौकरियां 3.5 साल के अंदर पैदा हुई, जो इनके 5 सालों के अंदर 60 लाख थी, हमारे 3.5 सालों में 55 लाख थी। इनके दौर में कोई कोविड नहीं आया था, कोई प्राइस हाइक नहीं आई थी, कोई टड्डी दिल नहीं था, कोई भारत के साथ जंग का मामला नहीं था, कोई अफगानिस्तान में डिबैकल नहीं था, कोई अफगानिस्तान में अमन का इशू नहीं था। हमने ये तमाम इश्यूज के बावजूद 55 लाख नौकरियां क्रिएट की, पर कैपिटा इनकम में इजाफा किया, मईशत के ओवरऑल हजम में इजाफा किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी, नई सनतें लग रही थी। आपका ताल्लुक फैसलाबाद से है, वहां आपको सुनते होंगे वहां लेबर नहीं मिल रही थी, आज लेबर को वहां रोजगार नहीं मिल रहा। आज जो नया तोहफा इन्होंने दिया कि शहबाज शरीफ ने पहली तकरीर ऐवान में खड़े होकर की जब वजीर आजम बने, तो उन्होंने कहा जनाब मैं मजदूर की तनख्वाह 25,000 कर रहा हूँ और उसका इतलाक अप्रैल से होगा। अच्छा, आज नया नोटिफिकेशन निकाल दिया कि जनाब आप 25,000 तनख्वाह का इतलाक 1 जुलाई से होगा। यानी कि यू टर्न पे यू टर्न लेते जा रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर की कहानियां सुनाते हैं कि जनाब हम वहां पर आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, कितने लोग जाके यूटिलिटी स्टोर से 300 रुपए किलो घी ले लेंगे। वहां भी इन्होंने घी, हमारे दौर में 250 रुपए किलो था, इन्होंने 300 कर दिया, ओपन मार्केट में 550 है। महंगाई में 30% रहमान IMF के साथ जो इनके मामला तय हो गए उसके बाद तो IMF के साथ आज भी बाहर से पैसे आ जाएंगे, चीन से पैसे आ जाएंगे, ये मामला नहीं है पैसों का मामला। इससे आपको लगता है कोई फर्क? वो तो शहबाज शरीफ ने खुद कह दिया कि IMF से मादा हो भी जाता है तो आगे भी उसको हालात ठीक होते नजर नहीं आ रहे। आपने अपने इंट्रो के अंदर ये चीज सुनाई है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, ना इनके ऊपर पाकिस्तान की अवाम एतमाद कर रही है, ना इनके ऊपर कोई बाहर एतमाद कर रहा है। मामला क्या है? मामला यह है कि इनके पास अवामी मैंडेट मौजूद नहीं है। इनको अवाम ने वजारत उज़्मा का मैंडेट नहीं दिया। ये 80 सीटें इनकी हैं, कुछ पीपल्स पार्टी की 50-60 हैं, बाकी 11 जमातों का जो इतिहाद है ये फैसले नहीं ले सकते। अच्छा खासा चलता मुल्क जो कि ज़राअत ग्रो कर रही थी, सनतें ग्रो कर रही थी, खिदमत का शोबा ग्रो कर रहा था, एक्सपोर्ट्स में 27% इजाफा हुआ 2013 से 2018 इनके 5 साल में एक्सपोर्ट्स में नेगेटिव ग्रोथ थी, हमने 27% ग्रोथ की, 24 अरब डॉलर से 32 अरब डॉलर पे लेके गए। टैक्स कलेक्शन हमें मिली थी 3,840 अरब रुपए पे, हम छोड़ के गए हैं 6,200 अरब रुपए पे। तरसीलाते जर हमें मिले थे 18 अरब डॉलर पे, आपको ये बेहतरी वाले 31 अरब डॉलर वाला मामला आपको कोई नजर नहीं आ रहा? नहीं, मेरा ये बड़ा मेरा एक बड़ा जेन्युइन सवाल है। अच्छा खासा मुल्क चल रहा था, मईशत चल रही थी, उसके बाद जो ये रजीम चेंज की साजिश हुई है उसका मुल्क को फायदा हुआ या नुकसान हुआ? आज महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए हैं तमाम, ठीक है। एक तो ये मामला जो फरूख हबीब साहब ने आखिर में जाते जाते सवाल आपसे पूछ लिया, उन्होंने कहा कि क्या जरूरत थी, मुल्क तो बिल्कुल जो है वो ठीक चल रहा था। लेकिन दूसरा जो उससे ज्यादा कंसर्निंग मामला है वो ये कि वज़ीर आज़म अभी भी कह रहे हैं और आज वज़ीर ख़ज़ाना ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि 2 से 3 महीने जो है वो बड़े मुश्किल हैं।
तो हमारा और हर पाकिस्तानी का एक बुनियादी सवाल तो यही है कि क्या हालात काबू में हैं या नहीं है। देखिए, पहली तो बुनियादी बात जो है वो ये है, जो सबको समझनी पड़ेगी, कि माजी में जो ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत जितने भी दावे कर रही है, जितने भी बोरान हैं, ये सारे के सारे इनकी हुकूमत के पैदा किए हुए हैं। और ये सारे के सारे बोरान जो हैं, अगर इनको कंट्रोल करने की बात हो रही है और उनके लिए इकदाम की ज़रूरत है, उन इकदाम को होते हुए और उनका जो असर जो है ग्राउंड पे नज़र आने के लिए कुछ ना कुछ जो है वक्त चाहिए होता है, और वो वक्त दरकार है, और वो प्रोसेस जो है वो हो रहा है और बड़ी तेज़ी से प्रोसेस हो रहा है। देखिए ना, चाइना ने आपको एक प्रोसेस किया, चाइना ने आपको पैसे कुछ 3.2 बिलियन या 2.3 बिलियन $2.3 बिलियन की इमदाद देनी है, उसकी जो उन्होंने 2.3 बिलियन की वो इमदाद देनी है, उसकी जो प्रोसेस है और उसकी जो कमिटमेंट है, उसके लिए जो मेहनत दरकार थी, जो काम हुआ वो तकरीबन 1.25 महीना चलता रहा, दोनों मुल्कों के बीच में नेगोशिएशन होती रही और फिर ये चीज़ आई। मुझे ये बता दें कि जब ये लोग गवर्नमेंट में आए थे तो पहला 1 साल या 1.5 साल जो इन्होंने मुल्क का ज़ाया किया, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि ये खुदकुशी कर लेंगे लेकिन आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे, और फिर वही आईएमएफ का फायदा जो है आज हम पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने रख रहे हैं, जिसमें ये साफ साफ नजर आता है कि किस तरीके से इन्होंने ना खुदकुशी की, ना पाकिस्तान की खुददारी को बेचा, और ना ही इन्होंने कहा था कि वो सियासत छोड़ देगा लेकिन कर्जा नहीं मांगेगा, वो सारी की सारी हरकतें जो है वो आज आईएमएफ के मुआहदे में नजर आती हैं जो इन्होंने की। वो जो 1.5 साल पाकिस्तान की मईशत का जाया हुआ, फिर इन्होंने सीपैक के इल्जाम लगाए, इन्होंने कहा जो सीपैक के बीच में ये किकबैक्स ली गई हैं, ये करप्शन हुई है, और वही जो 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 स्टेट ओन्ड कंपनीज थी, जो कि स्टेट ओन्ड कंपनी थी, उन पर इल्जाम लगाए। आप देखिए कि चाइना को फिर राजी करने के लिए इनको किस किस को भेजना पड़ा, इनके वुजरा की स्टेटमेंट निकाल के देख लें, मुराद सईद की स्टेटमेंट निकाल के देख लें, रजाक दाऊद की स्टेटमेंट निकाल के देख लें, फवाद चौधरी की स्टेटमेंट निकाल के देख लें, इन सब लोगों ने चाइना पे तनकीद की थी। आज वही चाइना पाकिस्तान को 2.3 अरब डॉलर देने के लिए तैयार है, तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है पाकिस्तान का, जिस तरह से बेड़ा गर्क इन लोगों ने किया। मैं कहता हूं इनको तो अल्लाह पूछेगा, इनको बाद में तो क्या पूछेंगे या इलेक्शंस में ये क्या जाएंगे, और ये किस तरह से बात कर रहे हैं और किस मुंह से ये बात कर रहे हैं कि ये 1-1.5 माह में ये सब कुछ नहीं हो सका, जिनको ये कहते थे कि जनाब इनकी मतलब जिन्होंने इनको हेल्प किया। मैं आपको बता रहा हूँ यकीनी तौर पे ये एक इजलास की हाजिरी पूरी करने के काबिल नहीं थे, एक इजलास की हाजिरी। अच्छा। ये जिनको आज बात करते हैं, जिन पे ये आज इल्जाम लगाते हैं, ये रजीम चेंज, इनकी रजीम चेंज हर इजलास में होती थी, हर इजलास में टेलीफोनों पे इनके जो बंदे थे, फरक हबीब साहब को भी पता है कि फरक के बंदे किस तरह पहुंचते थे, कौन बंदे वहां पे पहुंचाया करता था, किस तरह से बंदे आया करते थे, इनके मेंबरान कौमी असेंबली इजलास अटेंड करना पसंद नहीं करते थे। और ये जो आज बात करते हैं, आज ये रजीम चेंज की बात करते हैं, आज ये चाइना पे पैसे मिलने की बात, हाजिरियां जो है वो कोई और पूरा करा। लेकिन मोहसिन भाई देखिए, अब मुझे तो इस सारी बहस में, एक वक्त हमारी हुकूमतें थी कहती थी कि आईएमएफ से हमने जान छुड़ा ली, अब ऐसा लगता है, और ये आपकी पार्टी की नहीं, ये पीटीआई भी इससे पहले यही करती रही, कि आईएमएफ के पास जाना भी अब जो है वो हमारी सियासी जमातें अपनी एक अचीवमेंट के तौर पर जो है वो उसको पेश कर रही हैं। लेकिन ये जो बजट वाला मामला है, देखिए अब आपने एक बजट दिया, उसके बाद अब आईएमएफ के साथ जो आपके मामला अब तय पाए हैं, जो डिटेल्स हम तक पहुँच रही हैं, अभी मुआहदा नहीं आया है, ड्राफ्ट नहीं आया, लेकिन ऐसा लगता है कि आपको ये बजट रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि आपने 436 बिलियन के नए टैक्सेस लगाने हैं, फिर आपने 30 रुपए जो है वो पेट्रोलियम लेवी भी जो है वो बढ़ानी है, तो ये आपके अपने जो नंबर्स थे वही आपको जो है वो रिवाइज करने पड़ेंगे, और फिर ये पार्लियामेंट में भी जरी बात है मामला जो है वो जाएगा। सो कहीं ना कहीं पर ऐसे लगता है कि हुकूमत इस सारी सूरत हाल को डे टू डे बेसिस के ऊपर जो है वो चला रही है, या इसको फिक्स करने की कोशिश कर रही है, बजाय इसके कि हुकूमत के पास एक मौशी प्लान हो। देखिए, मैं एक बात हमेशा से करता हूं कि आपको जब भी ये हुकूमत मिलती है और जब भी आपका एक इलेक्शन होता है, तो उसके बाद 5 साल एक आईनी जो है दस्तूर के नीचे एक लिमिट होती है एक हुकूमत के पास, जिसके बीच में उन्होंने अपने किए हुए वादे पूरे करने होते हैं अपने मंशूर के मुताबिक। ये 4 साल में जो कुछ इन्होंने सारा मुल्क का बेड़ा गर्क किया, अगर उसको दुरुस्त करने के लिए हमारे पास 1 साल है, और ये समझते हैं कि वो सारा का सारा कुछ, हम तकरीबन 3.5 साल और 4.25 साल जब इनकी गवर्नमेंट के हो गए थे, तो हम ये कह रहे थे, बरबला हमारे तमाम लीडर्स ये कह रहे थे कि जो जिस स्टेज पे ये पाकिस्तान को लेकर पहुंच चुके हैं,
ये पाकिस्तान को वापस लाने के लिए जो पाकिस्तान 2018 का पाकिस्तान था, कितने सालों की मेहनत दरकार होगी और उसके लिए तमाम की तमाम सियासी जमातों को सर जोड़ के बैठना पड़ेगा और पाकिस्तान के मौसी मसाइल का हल तलाश करना पड़ेगा। अब एक साल के बीच में इनका किया हुआ सारा जो मईशत का जो इन्होंने इन बोरी बिस्तरा गोल किया है वो किस तरीके से मुमकिन होगा कि एक साल के बीच में हुकूमत जो है वो सारे के सारे एक बजट के बीच में वो सब का सब बैलेंस करके वो सारी खुशियां वापस ले आए जो इन्होंने पाकिस्तान की चार साल के अरसे में पाकिस्तान की आवाम से छीनी है। तो अगर उसको वापस लाने के लिए हम वही बजट बना रहे हैं कि हमने गरीब पे टैक्स नहीं लगाया, हमने जो पावर्टी लाइन से नीचे रहने वाले लोग या जो ऐसा तबका था जिनकी 50-40-50,000-60,000 से नीचे इनकम थी उनको टैक्स नहीं लेकर आए। पेट्रोलियम की जो मैं जो चीज आपसे जानना चाह रहा था वो नंबर्स वाली थी के नंबर्स के हवाले से बेहतर होता कि आपका जो बजट आता उसी में इन चीजों की जब वो रिफ्लेक्शन होती। मैं एक मिनट जरा ये फरूख हबीब साहब से पूछ लूं, कह रहे कि अंडू करने में तमाम चीजें जो आप उन्हें अचीवमेंट्स कहते हैं वो उन्हें तबाही कहते हैं, तो कह रहे हैं कि उसको अंडू करने में थोड़ा तो वक्त है। मोहसिन राजा साहब जो हैं बड़े अच्छे आदमी हैं और ज़हीन आदमी हैं, हमें इनकी ज़हानत के ऊपर भी कोई शक नहीं है, लेकिन मामला ये है कि ये नंबर से अगर मेरे साथ बात करते तो बहुत अच्छा इनके आर्गूमेंट जो है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाते और यकीन ये बात कर भी सकते हैं उस हवाले से, लेकिन ये तमाम चीज़ें उधर उधर घमाते रहे हैं। नंबर से मुराद मैंने नंबर्स और फिगर्स से बात की है। अच्छा, एक फैसला कर लेना, पाकिस्तान के अंदर 3.5 साल में एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, उसका जवाब है हाँ। पाकिस्तान के अंदर नई सनतें लगी हैं, उसका जवाब है हाँ। 10.5% जो है आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा हुआ है, पाकिस्तान के अंदर टैक्स कलेक्शन में इजाफा हुआ है, हुआ है, तो आपकी फॉरेन रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ है, हुआ है, मैंने नंबर्स के साथ आपको बताया है। जीडीपी ग्रोथ आपकी 6.5% रही है, ज़रात की ग्रोथ आपकी 4.5% रही है, ये नंबर्स बता रहे हैं। अब आप आ जाएँ हमारे ये 3.5 साल के मामला ठीक करने पर, कहते हैं हमें 1 साल लगेगा, वो आपके 30 साल हमें भाई 30 साल, और ये जो नंबर आए इक्तसादी सर्वे के इन्होंने 30 साल रिकॉर्ड तोड़े हैं जो पॉजिटिव नंबर्स हैं पाकिस्तान के लिए, और वो पाकिस्तान के लिए बेहतर हैं। 30 साल में 22 बार आप आईएमएफ के पास गए हैं, आप इतने अच्छे थे, इतने अहल थे, इतने अच्छे काम किए होते तो अब पाकिस्तान को आईएमएफ के पास जाने की ज़रूरत ही ना रहती। अच्छा। 9 अरब डॉलर हमें रिजर्व मिले थे, जब 8 मार्च को अदम एतमाद जमा हुई तो पाकिस्तान के पास जो फॉरेन रिजर्व मौजूद थे स्टेट बैंक के वो 16.5 अरब डॉलर थे। अब अदम एतमाद कामयाब होने के बाद तकरीबन 70 रोज इनको हो गए हैं, 50% इन्होंने कम कर दिए। मगर एक मिनट रहमान, इन्होंने 50% रिजर्व कम कर दिए हैं जो कि 8.5 अरब डॉलर रह गए इस टाइम, वो भी क्या हमारी नाहली है। अब आईएमएफ को आईएमएफ के पास आप लोग भी जा रहे थे? नहीं, आईएमएफ के पास अगर वो लोग गए हैं तो आईएमएफ के पास क्यों जाना पड़ता है? एक मिनट, आईएमएफ के पास क्यों जाना पड़ता है? हम तो इनका जो किया धरा था 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट था, 3,000 अरब रुपए की बजट में आपने किस्तें अदा करनी है जो इनके लिए हुए कर्जे थे, ठीक है, और आपको अपनी फिजिकल जो आपका एक डेफिसिट है उसको पूरा करने के लिए आईएमएफ के पास जाना पड़ता है। इमरान खान क्या कर रहे थे? वेल्थ क्रिएशन कर रहे थे। ये आखिरी साल में 42 अरब डॉलर नेट पाकिस्तान में लेकर आए थे विदाउट कर्जे, हम 64 अरब डॉलर लेकर आए हैं। आप एक्सपोर्ट्स 32 अरब डॉलर की, 32 अरब डॉलर की तफसीलात जर जमा करें, एक मिनट टेक्निकल बात है समझ लें, ये 64 अरब डॉलर बनते हैं भाई, ये कहां बैठे हैं, ये नंबर से बात करें हमारे साथ। फिर मामला ये है कि इसी बजट से गरीब आदमी के ऊपर अजाफी बोझ नहीं डाला जा रहा था, पेट्रोल हम 20 रुपए कम करके गए थे, बिजली 5 रुपए यूनिट कम करके गए थे, इन्होंने 84 रुपए पाकिस्तान की तारीख में कभी 3 हफ्ते पेट्रोल में इजाफा नहीं हुआ, मुझे 120 रुपए डीजल में इजाफा नहीं हुआ। एक मिनट, नालायक तालिबे हैं, लेकिन मुझे ये जरूर समझाइए, अगर हालात इतने अच्छे तो आप आईएमएफ के पास 6 बिलियन डॉलर के लिए जो है हम उसकी क्या जरूरत है? हम तो मैंने आपको बता दिया क्यों जाने की जरूरत पड़ती है, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि 8 रुपए बिजली का यूनिट में इजाफा, 45% गैस में इजाफा, उसके अलावा जो इजाफे हैं ट्रांसपोर्ट महंगी हो गई, आटा 1100 रुपए का मिल रहा था 20 किलो का थैले का, आज 1500 रुपए में बिक रहा है, वो तो सस्ता ले दे, जो घी 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 जो 400 रुपए का था 550 का हो गया आज सुन लेना, नीचे 490 का नहीं है, कोई भी नहीं मिल रहा, मुझे भी ले दे, मैं भी ले लेता हूँ आपके साथ जाके। इसके अलावा आज यूटिलिटी स्टोर में दाल की, चना की,
दाल मसूर की कीमतों के अंदर 30 रुपए से 100 रुपए इजाफा किया है। मोहसिन जान और गरीब आदमी की गर्दन दबा दी है इन्होंने। ब्रेक के बाद गरीब आदमी दवाएं देने दे रहा है। ब्रेक के बाद आपके पास आता हूँ, ये सवालात जो उठाए हैं इसका जवाब दीजिएगा और फिर दूसरा नैब तरमीम के हवाले से भी जो है वो प्रोग्राम में बात होगी। इस ब्रेक के बाद आ रहा हूँ। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। नैब के हवाले से भी बात करनी है जो नया कानून नाफिज हुआ है, लेकिन उससे पहले मोहसिन शाहनवाज साहब ये जो ब्रेक पर जाने से पहले फारूक हबीब साहब सवालात जो है वो आपके लिए छोड़ के गए, तो उनका कहना था कि ये मामलात जो है वो बिल्कुल ठीक चल रहे थे, मईशत में बेहतरी हो रही थी और फिर जो मामलात अब मौजूदा हुकूमत है इसके कंट्रोल में नहीं है, इसको जरा आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक मईशत की बेहतरी का इनका दावा है और आटे की कीमतों पे ये बात कर रहे हैं, घी की ये बात कर रहे हैं, मैं आपको इनको कहता हूँ कि मैं चैलेंज करता हूँ कि फैसला बाद में आए। दो किस्म के आटे बाजार में मुहैया होंगे, एक वो आटा जो हुकूमत पंजाब की तरफ से मिल रहा है जो 490 रुपए का एक थैला है 10 किलो का, एक तो वो है और दूसरा जो है वो यूटिलिटी स्टोर में है 20 किलो का या 10 किलो का, वो भी थैला जो इससे भी सस्ता है, जो मेरे ख्याल से 490 से भी जिसका रेट कम है, मैं गलत बात नहीं कर सकता क्योंकि उसका रेट अभी मुझे सही तौर पे पता नहीं, वो इससे भी सस्ता है। तो ये जो आटा 1500 रुपए किलो का कह रहे हैं वो मैं इनको कहता हूँ कि चैलेंज करता हूँ कि अभी जो आउटलेट्स हैं ये असिस्टेंट कमिश्नर से राबता करें कोर्ट उधर फैसलाबाद में, वो इनको बता देगा कौन कौन सी आउटलेट्स पे सब्ज कलर के बैग में 490 रुपए के थैले में हुकूमत पंजाब की तरफ से मुहैया किया गया आटा तकरीबन हर उसमें तहसील में या हर शहर में वो कम से कम 40-50 से ज्यादा आउटलेट्स हैं जहाँ पे तकसीम हो रहा है और जो कि आवाम को मिल भी रहा है, जिसका रिकॉर्ड भी मौजूद है इनके पास सेलर्स के पास। इसी तरह घी है शहबाज शरीफ साहब ने, वजीर आजम ने ये जो IMF के साथ मुआहदा है इसको पार्लियामेंट में लाने का भी कहा था, उन्होंने कहा था कि लोगों को दिखाना है कि क्या मुआहदा किया गया, तो अभी उस फैसले पर वो कायम है, मुस्लिम लीग नून लेकर आएगी पार्लियामेंट में। देखिए IMF के साथ जो भी मुआहदा जो इमरान खान ने किया और जो मौजूदा हुकूमत ने किया, जी बिल्कुल ये चीजें आनी चाहिए पाकिस्तान की आवाम के सामने, ताकि ऑब्वियसली पार्लियामेंट जो है उसको, हम तो कहते हैं ना कि पार्लियामेंट की जो है वो बेतौकीरी जितनी इन लोगों ने की है और जिसकी अभी भी हो रही है कि अभी भी ये पहली रवायत है कि सदर पाकिस्तान ने एक पार्लियामेंट की तरफ से पास किया हुआ जो बिल है उसको वापस भेज दिया है, और पीछे जिस तरीके से इन्होंने अदमे एतमाद की तहरीक में जो इन्होंने रोड़े अटकाने की कोशिश की और एक पार्लिमानी निज़ाम ये पाकिस्तान के दस्तूर के नीचे दिया गया जो एक निज़ाम है उसकी बेतौकीरी की, उसकी तो मिसाल कहीं नहीं मिलती। लेकिन पार्लियामेंट में ये चीज़ें बिल्कुल आनी चाहिए, पार्लियामेंट के बीच में ये डिस्कस होनी चाहिए, ये एग्रीमेंट्स आने चाहिए, जो जो चीज़ें हैं वहाँ पे उसके ऊपर बहस होनी चाहिए और आवाम तक उसकी रसाई होनी चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि ये बिल्कुल मुनासिब है, पार्लियामेंट को हमें मजबूत करना पड़ेगा। दूसरा, जहाँ तक आपने मेरे ख्याल से आप वक्फे से पहले नैब पे बात करना चाह रहे थे कुछ, हाँ जी मैं नैब के हवाले से पूछ रहा है, मगर अगर आप पहले ही जवाब देना चाहते हैं तो बता दें, क्योंकि इनके तो बड़े सही निर्णय तो पहले रह गए, पहले बजट तो ले आए, बजट तो आ बजट तो ले आए, पार्लियामेंट में जो असल बजट है वो आ ही नहीं रहा। अच्छा, और असली अपोजिशन लीडर भी ले आए, जो बजट है आपके टिकट होल्डर है वो अपोजिशन लीडर वॉकआउट किया उस दिन मेरा ख्याल है। देख मैं एक बात सिर्फ करूंगा, उसकी जगह तो मोहसिन शाहनवाज को बना देते हैं, इसमें अच्छी अपोजिशन कर लेनी थी। अच्छा, मेरे काबिले एहतराम है फरक हबीब साहब और ये जो बात कर रहे हैं ये तो आज पछता रहे हैं, मेरी इनके अपने जो इनके कॉलीग्स हैं जो तहरीक इंसाफ में मेंबरान कौमी असेंबली बैठे हैं, वो इनका जो अपना फैसला है ये एक इंतहाई इमेच्योर फैसला था जिसमें ये पार्लियामेंट में नहीं आए और ये खुद बहस कर रहे हैं, इनके लोग इनको बता रहे हैं, इस्तीफे देने पे पार्लियामेंट छोड़ने पे और इस्तीफे देने पर और जबूरी अमल से बाहर निकलकर बैठने पर ये पछता रहे हैं और ये मानेंगे नहीं, क्योंकि जाहिर है जो जो स्पोक्स पर्सन है ये तर्जमान है वो तो फिर पार्टी की लाइन लेते हैं, उनकी मजबूरी होती है, लेकिन हकीकत ये है कि जो इनका आम मुंतखब बंदा है अब, और आप इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा अल्लाह ताला के हाथ में ये इंशाल्लाह कामयाबी होगी, और अब जब 18 तारीख को ये जो जिमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं उसके बाद जो रही सही कसर है इनकी वो भी इंशाल्लाह ताला निकल जाएगी और ये उसके बाद बहुत तेजी से आपको पार्लियामेंट में आते हुए नजर आएंगे और फिर यही राजा रियाज साहब जो होंगे ये लगे होंगे और उनकी रहनुमाई में बैठ के ये अपोजिशन करेंगे।
अच्छा क्यों जी, इसका कोई इम्कान है? वैसे दूसरी बात ये तो और एक थी, लेकिन मुझे बताइए तो पार्लियामेंट से अभी आपके बड़े एतराज आते हैं, अब नैब कानून बन गया, नाफिजुल अमल हो गया, लेकिन पार्लियामेंट में होते आप इसको अपोज कर सकते थे? नहीं रहमान, मामला ये नहीं है, मामला ये है कि जब इन्होंने एक फैसला कर लिया, जब तय कर लिया, और एक अददी अक्सरियत भी वहाँ में मौजूद है, जैसे भी मौजूद है, ये हमें टेलीफोनों के जो है वो ताने देते हैं, आजकल चेक करें कि टेलीफोनों के रिसीवर कहाँ हैं और घंटियाँ कहाँ पे बज रही हैं। वोट को इज्जत तो इन्होंने देनी थी, हमने तो कभी बात ही नहीं की थी वोट को इज्जत देने वाली। अब आजकल जो वोट को इज्जत देने के बड़े बड़े नारे लगाते थे आकर, आजकल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आप उठा के देख लें तो आजकल तो उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर तर्जमानी संभाली हुई है। और अब मामला आ जाए आप नैब के ऊपर, उसके ऊपर बड़ा इनके कोलीग हैं, वफाकी मिनिस्टर भी हैं, उनके पुराने साथी हैं, करीबी हैं, खुर्रम दस्तगीर साहब इनकी किचन कैबिनेट का भी हिस्सा हैं, उन्होंने आके कहा कि जनाब ये तो हमें सजाएं होने जा रही थी और नवंबर में एक अहम तैनाती होनी थी, उसके बाद हमने 15-15 साल के लिए जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाना था। उनका कहने का मतलब ये था कि पाकिस्तान के अंदर शायद अदालतें जो हैं उन्होंने इंसाफ नहीं देना था, या जो है वो पाकिस्तान के अंदर आज़ाद अदलिया जो है वो मौजूद नहीं है। और उन्होंने कहा हम तो इस वजह से आए हैं, इस वजह से हम रजीम चेंज का हिस्सा बने हैं, हमने हुकूमत बदली है, हमें अवाम के साथ तो कोई लेना देना नहीं है। अब जिस किस्म का ये नैब लॉ लेकर आए हैं, ये मेरे सामने पड़ा हुआ है, ये पर्सन स्पेसिफिक है, यानी कि इसकी एक एक शिक अगर आप पढ़ लें, 21G अगर आप पढ़ें, तो ब्रिटिश वर्जन आयरलैंड से एक डॉक्यूमेंट आया था नीलसन और नेस्कोल जो ऑफशोर कंपनियां हैं, जिसके बारे में लिखा था कि इनकी बेनिफिशियल ओनर जो हैं वो मरियम सफदर हैं, जो कि नवाज शरीफ की साहबजादी हैं। अब जो बाहर से डॉक्यूमेंट जो MLA म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट्स के तहत आते हैं, वो अब सबूत के तौर के ऊपर ट्रीट नहीं होगा, 21G इसके अंदर से ख़त्म कर दिया गया। अब बाकी तफसीलात में अभी मैं क्विकली जाऊंगा, लेकिन एक सवाल बड़ा अहम है यहाँ पे कि अगर ये इनकी MLFID नहीं है, ये नैब को मजबूत करना चाहते हैं, अकाउंटेबिलिटी को अमल को मजबूत करना चाहते हैं, तो फिर ये बताएं कि इस कानून का इतलाक 1999 से क्यों होगा? ये बड़ा अहम सवाल है कि आज से 20-22-23 साल पहले इतलाक क्यों हो रहा है? रिस्ट्रोप्रैक्टिव, ये खुद वकील है, रिस्ट्रोप्रैक्टिव इफेक्ट क्यों हो रहा है? आइन का आर्टिकल 11 है, कोई कानून का रिस्ट्रोप्रैक्टिव इफेक्ट नहीं हो सकता, पर्सन स्पेसिफिक लॉ है, सुप्रीम कोर्ट टर्न डाउन कर चुका है, दो चीजें बारे सबूत जो है वो अक्यूज से उठाकर जिसके एसेट बियॉन्ड मींस होंगे, जिसके नाम पे बेनामी होगी, बारे सबूत उठा के नैब पे डाल दिया है, एक तो सिर्फ यानी व्हाइट कॉलर क्राइम कैसे साबित होगा? कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा क्लियर हो, मैं जरा वो सुनवा दूं, खुर्रम दस्तगीर साहब ने जो है वो बात की थी, प्रमोशन साहब उसका भी एक तो जवाब दीजिएगा, और दूसरा फिर क्या वाकई नैब का जो ये जो तब्दीलियां हैं ये पर्सन स्पेसिफिक है? दिखाएं जी खुर्रम दस्तगीर साहब ने क्या बात की थी। जी मोहन भाई, एक तो ये जो खुर्रम दस्तगीर की स्टेटमेंट, और दूसरा ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का कहना कि नैब की जो कानून में तब्दीलियां की गई हैं ये पर्सन स्पेसिफिक है। जी मोहसिन शाहनवाज साहब, जी मोहसिन भाई आपको आवाज आ रही है? अच्छा मेरा ख्याल है उनके कुछ सोर्स का मसला है, अभी कुछ देर में उनसे रابطہ हो जाता है तो दोबारा उनसे जो है वो जवाब लेते हैं, बल्कि मैं एक ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक के बाद वापस हैं, तो नैब कानून में जो तब्दीलियां हैं इनके हवाले से हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी कि क्या वाकई ये निज़ाम की बेहतरी के लिए या फिर जो है वो हुकूमत ने अपने फायदे के लिए किए, इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। मोहसिन शाहनवाज रांझे साहब, ब्रेक पर जाने से पहले ये दो सवाल थे, एक तो खुर्रम दस्तगीर साहब को ऐसा बयान देने की जरूरत क्यों पेश आई, उन्होंने क्यों कहा, और दूसरा ये जो नैब की तब्दीलियां हैं क्या ये वाकई पर्सन स्पेसिफिक है? देखिए पहली तो बात यह है कि खुर्रम दस्तगीर साहब ने जो ये बात की है ये हकीकत पे मबनी है कि शहजाद अकबर साहब जो हैं इन्होंने वहाँ पर इमरान नियाजी के साथ मिलकर ये प्लान तैयार हुआ था, और इसके अंदर बकायदा तौर पे ये चीज़ें तय पा गई थी कि मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है अगले इंतखाबात से पहले उन पे नजायज़ केसेस बना के उनको सज़ा दे दी जाए ताकि वो इलेक्शन ना लड़ सकें। अगर मुस्लिम लीग नून की नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पहले नाअहल हुए हुए हैं, मरियम नवाज साहिबा नाअहल हो चुकी हैं पहले ही,
और उसके बाद अगर शहबाज शरीफ साहब को नाअहल कर दिया जाए और फिर जो मुस्लिम लीग शायद खकान अब्बासी को नाअहल कर दिया जाए और बाकी मुस्लिम लीग नून का जो टीयर है उसको नाअहल कर दिया जाए, तो मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किल हो जाएगा अगले इंतखाबात की कैंपेन को चलाना और अगले इंतखाबात को जीतना, क्योंकि जो इनकी नाअहली थी और इनकी नालायकी थी जिसका इनको सामना करना पड़ रहा था उसको काउंटर करने के लिए ये हिकमत अमली जो थी ये बनाई गई थी, ये इनका प्लान था। और इस प्लान के मुताबिक में उन्होंने एक जजेस की तादाद बढ़ाने की बात की कि जजेस की तादाद बढ़ाई जाए ताकि जो मुकदमात है उनको तेजी से हम चलाएं और जितनी जल्दी से हो सके यकसुई करके इसी तरह इसी चक्कर में प्रोसिक्यूटर जनरल को लाया गया। अच्छा। इसी चक्कर में इन्होंने कुछ नए और ऐसे वकला को केसेस दिए जिनका मकसद ये था जो कि कानून की और आइन की बात नहीं कर रहे थे, वो इमरान नियाजी को अगली दफा जो ये बात करते थे ना कि 2023 भी हमारा है 2023 भी हमारा है, ये 2023 इसलिए कहते थे हमारा क्योंकि शहजाद अकबर का जो प्रोग्राम बना हुआ था सबको नायल करने का, उसके बाद ये 2023 अपने की बात कर रहे थे। खुर्रम दस्तगीर साहब ने ये बात की। और जहाँ तक दूसरी नैब की सवाल है, बिल्कुल देखिए नैब कहीं से भी पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, ये जितने भी मुकदमात इन्होंने नैब के बनाए तकरीबन के सारे मुकदमात के ऊपर हाई कोर्ट में जब जमानतें हुई हैं जितने भी मुस्लिम लीग नून के कायदीन हैं या अपोजिशन के मेंबरान हैं उसके ऊपर हाई कोर्ट ने अपनी तहकीकात तकरीबन मुकम्मल करके हाई कोर्ट ने एक किस्म की पूरी नैब की तफ्तीश को उन्होंने खंगाला, सुप्रीम कोर्ट ने इनकी तफ्तीश को पूरा खंगाला और उसके बाद उन बेलों के फैसलों में उन्होंने जो रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशंस दी इन्वेस्टिगेशन के हवाले से नैब के कंडक्ट के हवाले से एक एक करके क्लॉज का पूछ लेना। अच्छा मोहसिन भाई आपके मेरे ख्याल है कुछ ऑडियो का इशू है, लेकिन फरूख हबीब साहब कह रहे हैं कि जो है वो इससे पहले फैसले भी हैं, फिर आप लोग नैब के साथ गठजोड़ करना चाहते थे, शहजाद अकबर भी जो है वो इसमें शामिल थे, क्योंकि दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं, जुड़ी हुई वो कह रहे हैं कि आपका ये था आज रहमान साहब आप ये देखें कि इसका मतलब ये बात तो ये तस्लीम कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान के हालात खराब नहीं थे माशी तौर के ऊपर, पाकिस्तान के अंदर हुकूमत का कोई मसला नहीं था, इमरान खान के ऊपर कोई करप्शन का चार्ज नहीं था, ये तो अपने करप्शन के केसेस रोकने के लिए आए हैं और आकर एनआरओ 2 के ऊपर इन्होंने इंप्लीमेंट शुरू कर दिया। 2023 की आप बात करते थे कि 2023 में भी हम आएंगे तो नहीं नहीं 2023 तक तो हर पार्टी क्लेम कर सकती ना, ये भी क्लेम कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, हमारी हुकूमत होगी। अच्छा, लेकिन मामला क्या है, मामला ये है कि ये केसेस कहां से खत्म होने हैं, अदालतों से खत्म होने हैं। एक एहतसाब अदालत ने एक केस के अंदर नवाज शरीफ को बरी भी किया था आपको याद होगा। अब मामला क्या है, अब इन्होंने कानून में तब्दीली करके ये 1999 से शुरू कर रहे हैं, यहीं से इनकी बदनीयती शुरू हो जाती है ना, ये कहते नहीं जी इसका तलाक 2022 यकम जुलाई से होगा, ठीक है ऑनवर्ड जो केसेस होंगे उनके ऊपर होगा, ये पीछे अपने आप को क्यों फायदा देने जा रहे हैं। तब्दीलियां तो आप भी चाहते थे। नहीं नैब में नैब के अंदर जो एक ऑर्डिनेंस नैब कर रहे थे, नैब के अंदर जो इश्यूज थे जो आपकी ब्यूरोक्रेसी के इश्यूज से या प्राइवेट पर्संस के इश्यूज से उस हद तक तो ठीक था। अच्छा। लेकिन शहबाज शरीफ पर 8 अरब रुपए का टीटीओ का केस है, उसका रेफरेंस पड़ा हुआ है, उसका केस पे ये पेशियां भुगत रहे हैं, ओमनी ग्रुप का केस है, पापड़ वाले का केस है, मरियम सफदर की अपीलें हैं इवन फील्ड के हवाले से, सबको इन्होंने क्लीन चिट दे दी है। अब ये कहते हैं कि 100 बंदों को पब्लिक एट लार्ज नुकसान होगा, वो इन्होंने 76 बंदों का केस इनके एक और वफाकी वजीर पे है उसको इन्होंने फेवर दे दिया, पहले 50 का था, उन्होंने उसको हाथ को बढ़ा दिया, ये तो जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, हम लेके जा रहे हैं वहां पर, इस हमारी ये सदा होगी सुप्रीम कोर्ट से कि ये जो पर्सनल स्पेसिफिक कानून बनाया है जिससे नैब को अमली तौर के ऊपर लूला लंगड़ा अपाहज कर दिया है, मुंह पर पट्टी बांध दी है, आंखों पर पट्टी बांध दी है, कानों में रुई दे दी है, नैब नो एक्शन ब्यूरो बन गया। मैं मोहसिन शाहनवाज साहब आप क्योंकि खुद वकील हैं सर, कानून को समझते हैं, आपको लगता है कि ये जो तब्दीलियां हैं और फिर इनका जो इल्ज़ाम है कि ये क्योंकि आपने इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट पे रखा तो नैब को बेसिकली टूथलेस कर देगा, तो आपके पास या तो इस इदारे को मुकम्मल तौर पर ही जो है वो ख़त्म कर देते या फिर जो है वो इसको कम से कम जो है वो अख्तियार देते, तो ये जो आधा तीतर आधा बटेर है ये क्या इससे एहतसाब हो सकेगा? 1999 से तलाक का मंतक क्या है? अच्छा देखें नहीं नहीं मैं आपको बताता हूँ, असल में यहाँ पे कुछ चीजों का कुछ समझ नहीं आ रही। जो नैब के कानून की क्रिमिनलिटी है ये 1985 से शुरू होती है, 1985 से
ये क्लॉज आप बीच में डालें या ना डालें, ये 1985 से ही शुरू होना था। ये आप इनके किसी कानूनी मायर को बुला लें, हमारे उस वक्त गुफ्तगू भी होती थी, ये मानते तो नहीं है। इनके स्पीकर हाउस पे बैठ के शहजाद अकबर साहब ने खुद मुझसे एक दफा यही बात की थी जब ये बात हो रही थी, और ये जब खुद ये बात चाह रहे थे कि ये कानून का असल तो बेनिफिट मिला इनको, हम लोगों ने तो सजाएं भुगत ली, हम अच्छा। लोगों ने तो अपना सजाएं भुगत ली, लेकिन हमने अच्छा। ये इसलिए किया कि पाकिस्तान की तारीख के बीच में जो ये एक ड्रामा रचाया जाता है एहतसाब के नाम पे, और एक सियासी जमात जो हुकूमत करके जाती है उसके लोगों को जो है दबाव में लाने के लिए या उनको उनको अपनी चीजें मनमानी कराने के लिए उनको जेलों में डाला जाता है, ये एक रिवाज खत्म होना चाहिए। ये हमने तो मिसाके जमहूरियत कर ली, लेकिन दिल से पूछे तो छलांगे कौन लगा रही है? छलांगे तो आज गोगी लगा रही है ना। अच्छा। खुशी तो गोगी को हो रही है, कामयाब तो गोगी हुई है। अगर इस कानून को देखा जाए तो आप इतने बार है या बुजार साहब के भाई है, ये गारंटी ले लें फरक हबीब साहब से, अंडरटेकिंग ले लें कि तहरीक इंसाफ का बंदा फायदा नहीं उठाएगा। अच्छा, मतलब गोगी फायदा नहीं उठाएगी, ये वादा करें। आप देखें, मैं भी मेरा भी आप लोगों से ये इख्तलाफ है, आप तो हमें ये कहते हो गोगी की आता तो ये बात कर लेनी, आप सुन तो लेना सर, सुन लेना। आप हमें ये कहते होते थे कि हमने सजाएं भुगत ली है, अब ये नैब का कानून आप पर लागू होगा। अब आप इतने अच्छे कब से हो गए, इतने रहम दिल कब से हो गए हैं? मुझे कि आप हमारे लिए कानून फर्जी कर रहे हैं। ये मैं लास्टली आपसे एक एक कमेंट, मोहसिन रशाद नमाज रंजा इस दिल से इन अमेंडमेंट्स के साथ एक टीवी पे इसकी मजबूरी हो सकती है, आप लहदा पूछिएगा, ये नहीं है साथ। अच्छा, मैं एक मिनट ये आपके एस्टेब्लिशमेंट से गिले शिकवों का क्या जवाब कोई है? ये जो हर रोज बयान दिए जा रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल्स को जो है वो न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। बुनियादी तौर के ऊपर क्या मामला है? मामला ये है कि साइफर एक हकीकत है, साइ साबित हो गया, धमकी है साइ साबित हो गई, ब्लेटेंट इंटरफेरेंस है साइ साबित हो गई, इक्तिसादी सर्वे आया मुल्क की मीशत ठीक थी साइ साबित हो गई, उसके बाद जो लोग आए हैं वो या मुल्क को आगे लेके गए। ये तासुर नहीं जाता कि आपकी हुकूमत सिर्फ उनकी वजह से? नहीं नहीं, तासुर का मामला नहीं, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि मुल्क रजीम चेंज के बाद आगे गया है या पीछे गया है। हकाइक बता रहे हैं आवाम की मुश्किलात में इजाफा हुआ, मुल्क बैंक डिफॉल्ट के दहाने पर आ गया। अब किसकी जिम्मेदारी है? पाकिस्तान के तमाम इदारों की जिम्मेदारी है कि देखें इस चीज़ को कि हमने मुल्क को बचाना है, रियासत को बचाना है, मुल्क की सॉवरेनिटी को बचाना है, आजाद साहब को भी सबने इसके ऊपर सबने कल को जवाब देना चाहेंगे।